एक और एसोसिएट टीम्स की वर्ल्ड कप जर्नी की हम बात करने वाले हैं। जी हाँ, और आज की जो एसोसिएट टीम है वो है यूएई। जी हाँ, अगर हिस्ट्री की बात करें तो मेरे ख्याल से सबसे ओल्डेस्ट में से एक हिस्ट्री इस टीम की रही है कहीं ना कहीं, यूएई क्रिकेट की। लेकिन उस तरह का परफॉर्मेंस, जी हाँ, उस तरह का परफॉर्मेंस जो है टॉप करते हैं इतने पुरानी टीम से, वो कहीं ना कहीं बिल्कुल नदारद रहा है यूएई की क्रिकेट की तरफ से कहीं ना कहीं। क्या आज बात हो रही है वर्ल्ड कप की इनके जर्नी के बारे में, तो इन्होंने 3 वर्ल्ड कप अब तक खेले हैं। जी हाँ, 3 वर्ल्ड कप अब तक ये वर्ल्ड कप में अब तक ये पार्टिसिपेट कर चुके हैं। सबसे पहले इन्होंने कौन से साल में वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेट किया और उसमें कितने कितने मैचेस खेले, ये आपको बताते हैं। बिल्कुल, सबसे पहले यूएई ने 1996 जी हाँ सबसे पहले वर्ल्ड कप में अपना एक्सपीरियंस किया था, और वहाँ पे उन्होंने 5 मैच खेले। जी हाँ, 5 मैच खेले हैं, साउथ अफ्रीका के खिलाफ, इंग्लैंड के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ, न्यूजीलैंड के खिलाफ और एक लास्ट नीदरलैंड के खिलाफ। ये 5 मैच थे जिसमें कि 4 हार हुई है यूएई की और 1 जीत नसीब हुई है, वो भी नीदरलैंड के खिलाफ 7 विकेटों से यूएई ने जीता। ये था 1996 का परफॉर्मेंस, 5 में से 4 हार 1 जीत। जी हाँ, तो 1996 में जब वो पहली बार वर्ल्ड कप में उतरे तो कहीं ना कहीं से आप हॉरिबल परफॉर्मेंस कह सकते हैं, इस तरह की एक्सपेक्टेशंस नहीं थी। लेकिन सामने टीमें ही बहुत बड़ी थी, लेकिन नीदरलैंड्स को उन्होंने हरा के कम से कम 1 मैच तो उस वर्ल्ड कप में अपने नाम पे दर्ज किया। चलिए, पहली बार गई थी, 1 मैच फिर भी जीत के आई, कोई बात नहीं। उसके बाद, जी हाँ, उसके बाद अगर मैं 17 साल लगे यूएई को अपना नेक्स्ट वर्ल्ड कप खेलने में, और 2014 में, जी हाँ, 2014 के T20 वर्ल्ड कप में उन्होंने दोबारा अपने उपस्थिति दर्ज कराई और 2014 का T20 वर्ल्ड कप खेलने के लिए वो उतरे। जैसे कि यूएई टीम जो है जो काफी ज्यादा धाकड़ मानी जाती है T20 में, कुछ अच्छे प्लेयर्स इनके पास है, तो क्या एक्सपेक्टेशंस थी यूएई को, लेकिन किस तरह से 2014 में यूएई की टीम ने परफॉर्म किया T20 वर्ल्ड कप में, जहां पे नेपाल और अफगानिस्तान भी थे। तो ये जानते हैं कि यूएई का 2014 का T20 वर्ल्ड कप का सफर किस तरह का। बिल्कुल, देखिए, कहेंगे कि इतने साल बाद भी यूएई शायद इतना ज्यादा डेवलप नहीं हो पाया, इतना क्रिकेट में नहीं कर पाया जितना उन्हें करना चाहिए था। 18 साल का वक्त बहुत लंबा होता है, लेकिन वहां पे उन्होंने 3 मैच खेले, एक नीदरलैंड के खिलाफ, जिम्बाब्वे के खिलाफ और आयरलैंड के खिलाफ। बिल्कुल, ये वो 3 मैच थे, तीनों में यूएई को हार मिली। और नीदरलैंड ने 1996 का बदला भी ले लिया कहीं ना कहीं। जी, फॉर्मेट अलग है लेकिन बदला जरूर लिया, ये हरा दिया उन्हें। हाँ, तो वर्ल्ड कप। जी हाँ, बिल्कुल सही, 3-0, कोई फर्क नहीं पड़ा, 4-1 था 1996 में, यहाँ 3-0 2014। जी हाँ, आपको 18 साल लगते हैं नेक्स्ट वर्ल्ड कप में अपनी अपीयरेंस दर्ज कराने में, उसके बाद ऐसी परफॉर्मेंस की जो 1996 में कम से कम 1 मैच जीते थे वो भी मैच यहाँ नसीब नहीं हुआ। तो 2014 में कहीं ना कहीं बहुत ही निराशाजनक परफॉर्मेंस जो लगातार बने हुए था यूएई के साथ, तो 2 वर्ल्ड कप में उनकी अपीयरेंस दर्ज हो चुकी थी। यहीं पर वो नहीं रुके, जी हाँ, उनका परफॉर्मेंस आप कुछ भी कहें, मतलब जैसे बाकी बीच में सीरीज में वर्ल्ड कप को हटा दें, हाँ, तो बीच में कहीं ना कहीं क्वालिफायर्स में या कहीं पे कुछ ना कुछ बेटर रहा कि उनको ज्यादा वेट नहीं करना पड़ा अपना अगला वर्ल्ड कप खेलने के लिए, और सिर्फ 1 साल या फिर 8-9 महीने के इंतजार के बाद वो 2015 के वर्ल्ड कप में दोबारा खेलने के लिए उतरे मैदान में। यहाँ कुछ चीजें अच्छी हुई थी, लेकिन मैचेस में क्या कुछ रिजल्ट्स और नतीजे निकल के आए और कितने मैचेस उन्होंने खेले, आइए बताएं। बिल्कुल, यहाँ कुछ चीजें अच्छी हुई थी, हम इसके बारे में फिर बाद में बात करेंगे, पर अच्छी होने के बावजूद भी रिजल्ट में कोई यहाँ कुछ नजर नहीं आया। यहाँ पहला मैच जिम्बाब्वे के खिलाफ शुरू किया था, उसके बाद उन्होंने आयरलैंड, इंडिया, पाकिस्तान, साउथ अफ्रीका और वेस्ट इंडीज, लास्ट मैच था वेस्ट इंडीज के खिलाफ, 6 के 6 मैच हारे हैं। और 2015 में जैसे कि आपने सुना कि 6 के 6 मैच वो पूरी तरह से हारे, जहाँ कहीं ना कहीं बहुत निराशाजनक परफॉर्मेंस ये कहनी होगी, क्योंकि 3 बार वर्ल्ड कप में पहुंचने के बाद, जी हाँ, वर्ल्ड कप बहुत बड़ी बात होती है जब आप खेलते हैं, उस तरह की परफॉर्मेंस भी जरूरत होती है आपकी टीम की तरफ से, लेकिन कहीं ना कहीं वो परफॉर्मेंस नदारद थी। 3 वर्ल्ड कप में सिर्फ 1 जीत, वो कहीं ना कहीं दर्शाता है कि यूएई क्रिकेट कितनी सीरियस है अपने क्रिकेट को लेकर, और खास करके इम्प्रूवमेंट को लेकर वो बिल्कुल भी सीरियस शायद नजर नहीं आती। और आज भी यही हाल है कहीं ना कहीं, 2021 में भी यूएई क्रिकेट कहीं भी नहीं पहुंच पाया, रीजन सिर्फ वही, शायद वो इम्प्रूवमेंट चाहते ही नहीं या फिर करना ही नहीं चाहते, वो तो वही जाने। कुछ चीजें अच्छी हुई थी, जी हाँ, कुछ चीजें क्या, मेरे ख्याल से एक ही चीज अच्छी हुई थी, शायमन अनवर, जी हाँ, जी हाँ, इन्होंने शतक जमाया था। बिल्कुल, और ये पहले सेंचुरियन बने थे यूएई की तरफ से वर्ल्ड कप में,
शतक मारने वाले, और क्या आप वो इनिंग हमने भी देखी थी, बिल्कुल जबरदस्त इनिंग, जबरदस्त बैटिंग की थी उन्होंने। लेकिन उस मैच में भी ऐसा उम्मीद थी, हमें भी उम्मीद थी कि शायद वो मैच यूएई जीत सकता है, लेकिन किसी का साथ भी नहीं मिला और बॉलिंग से कहीं ना कहीं यूएई ने परफॉर्मेंस अच्छा नहीं किया था, जिस वजह से वो मैच यूएई को हारना पड़ा। लेकिन शामल अनवर ने अपना नाम अपने देश के लिए और दुनिया में भी उन्होंने दिखाया किस तरीके से, किस तरह के वो प्लेयर हैं। बिल्कुल, यही एक पॉजिटिव पॉइंट था अगर हम बात करें उस वर्ल्ड कप के बारे में, तो तीन वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेट, 1996, उसके बाद 2014 और फिर 2015, लेकिन जीत सिर्फ एक। आखिर इसके पीछे का रीजन आपको क्या लग रहा है? देखिए, मेरे ख्याल से यूएई अपने नेशंस लीग की जगह कॉर्पोरेट लीग में ज्यादा ध्यान दे रहा है, इसकी वजह से मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं ये रीजन है, शायद बहुत बड़ा रीजन है। आप T10 देखिए, वहां पे होता है अबूधाबी T10 होता है, उसके बाद उनका खुद का भी एक लीग है यूएई T10 वगैरह, कुछ लीग चलती है उनकी, लास्ट ईयर हुई थी, इस बार भी होगी। लेकिन फिर अब एक और नया फॉर्मेट सुनने में आ रहा है कि 90 बॉल क्रिकेट का कुछ है ऐसा, इसी से पता चलता है कितनी इंप्रूवमेंट की वो सोच रहे हैं। तो ये कॉर्पोरेट के लिए ठीक है, आपके कमर्शियल आप कमाने के लिए, रेवेन्यू के लिए ठीक हो सकता है, लेकिन एक नेशंस के लिए मुझे लगता है नेशनल क्रिकेट टीम के लिए ये कतई बिल्कुल भी ठीक नहीं। जी हाँ, और आपके यहाँ ये सब चीजें खेल के आपके यहाँ से कोई प्लेयर नहीं निकलने वाला, कोई बड़ा अच्छा प्लेयर नहीं निकलने वाले, कोई इंटेंट वाले प्लेयर या फिर परफॉर्मर अगर कोई आप सोच रहे हैं कि निकलेगा, तो सॉरी ये कभी नहीं हो सकता इस तरह के क्रिकेट खेल के, तो बिल्कुल नहीं हो सकता। बिल्कुल, 2016 हो गया, 2008 इस बार का वर्ल्ड कप हो गया, इसमें भी यूएई नहीं है, तो ये कहीं ना कहीं वो बताता है डिक्लाइन हो रहा है और फिर लंबा वक्त लगेगा अगर ये ध्यान नहीं देगी यूएई बोर्ड। जी हाँ, तो चलिए आप फास्ट फॉर्मेट खेल रहे हैं, T10 खेल रहे हैं, T20 खेल रहे हैं, बिल्कुल, तो उसमें भी कम से कम कुछ बेटर रिजल्ट आए, ऐसा नहीं कि उसमें आप नंबर वन टीम है एसोसिएट में ही सही, ऐसा नहीं कि आप नंबर वन टीम है या फिर आप लगातार T20 में क्वालिफाई करें कुछ। जी हाँ, उसका भी तो फायदा होना चाहिए, आप T10 खेल रहे हैं, T20 अच्छा खासा खेल सकते हैं तेज तरार, लेकिन वहां भी कुछ नजर नहीं आ रहा। नेशनल टीम में जैसे ही आप मैच खेलने के लिए उतरते हैं तो आपका हश्र इस तरह का कुछ ना कुछ होता है, नेशनल ड्यूटी अलग हो जाती है, नेशनल ड्यूटी में अच्छे अच्छे पसीने निकल जाते हैं, तो ऐसे जो यंग प्लेयर है इनका तो लाजमी है, इसलिए लोगों को बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, और वो ध्यान दिलाएगा कौन, बोर्ड और उनके कोचेस, सुपर, उनका ध्यान तो 90 बैश कराने में और लीग सिक्स कराने में लगा हुआ है। जी हाँ, वो सिर्फ पैसे छापने में ही लगे हुए हैं, कोई इंटरेस्ट नहीं है कि क्रिकेट को इम्प्रूव किया जाए कुछ के लिए, वो क्लियर दिखता है आपके पास। सबसे पहली बात, आपके पास फाइनेंशियल कोई इश्यू नहीं है, जो कि बहुत सारे एसोसिएट टीम्स के पास ये बहुत बड़ा इशू है, इस वजह से वो राइज अप होने में टाइम लगता है। लेकिन आपके पास तो सबसे बड़ा जो इशू होता है किसी राइज अप में किसी क्रिकेट की टीम की, छोटी क्रिकेट टीम का, वो फाइनेंशियल होता है, वो आपके पास कम से कम उसका तो नहीं है, तो कहीं ना कहीं इंटेंट की कमी नजर आती है। छोटी सी बात मैं यहाँ बोलूंगा, यूएई के पास आपने कहा फाइनेंस है, इतना सारा सब कुछ है, आप सीरीज भी नहीं करा सकते, बताइए, अभी खाली वक्त है, लंबा वक्त है, बहुत टाइम ऐसा रहता है जो आप मैचेस नहीं होते हैं, लेकिन आप इंगेज रखिए ना अपने प्लेयर को, आपके पास तो फाइनेंशियली है, फाइनेंशियल है, बाकी देश को आप छोड़िए, आप अपने पे ध्यान दीजिए। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं ये बात भी है, जी हाँ, फाइनेंस का जब इतना स्ट्रॉन्गेस्ट है, आपके पास बेहतरीन से बेहतरीन ग्राउंड है, आपके बोर्ड्स के साथ काफी अच्छे लिंकअप है, तो इसमें कोई दोराय नहीं है, इस बात की तो गारंटी है कि यूएई अपने यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और इंडिया तक जैसी टीमों को बुला के 3 मैचों की सीरीज करा सकता है, और कोई बोर्ड मना नहीं करने वाला, क्योंकि इधर से जब उन्हें रेवेन्यू ही इतना अच्छा मिलेगा, फाइनेंस वो बोले पैसे मिलेंगे, तो फिर ऑस्ट्रेलिया क्या, इंग्लैंड क्या और इंडिया क्या, सब आगे यूएई में यूएई खिलाफ T20 सीरीज तो कम से कम खेलने के लिए ऐसे राजी हो जाएंगे, यही पैसे की ताकत होती है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, लेकिन इससे कोई फायदा कुछ नहीं होने वाला, क्रिकेट आपका नहीं बनेगा, क्योंकि इंडिया ऑस्ट्रेलिया आपको 3 दिन से हरा के जाएंगे, उससे कोई फायदा नहीं होने वाला। यही कहा ना कि ये क्रिकेट कम से कम एक ऐसा लाइन बचा हुआ है जहाँ पे पैसे के दम पे आप टैलेंट नहीं ढूंढ पाएंगे। जी हाँ, स्पोर्ट्स ऐसा है जहाँ पे पैसे के दम पे टैलेंट ढूंढ पाएंगे, टैलेंट के दम पे आपको पैसे मिलेंगे, पैसे के दम पे आपको टैलेंट नहीं मिलेगा। जी हाँ, बहुत बड़ी बात। फिलहाल इस वीडियो में इतना है, वीडियो को पसंद आया लाइक करिए, कहीं ना कहीं ये वर्ल्ड कप की जरूरी थी, लेकिन उससे ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट थी, इसलिए इस वीडियो में हमने ये सब चीजें ऐड की। फिलहाल इस वीडियो में इतना है, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए लगातार के साथ।